मेरे कई सारे फ्रेंड्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जिसमें हम लोग घर बैठे 50 से 60 हज़ार रुपये कमा सकें। क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा पूरा दिन काम ना करना पड़े और उसे हम लोग ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। कोई मुझसे कहता है कि सर क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जिसमें कि सिर्फ डे ट्रेड करने से ही हमें अच्छा खासा मुनाफा हो सके, क्योंकि हम लोग अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते या फिर मार्जिन्स के इश्यूज है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसे अगर आप फॉलो करें तो बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, जो कि हो सकता है 50 से 60 हज़ार रुपये भी, और इसमें आपकी रिस्क भी अच्छी तरह से कवर की गई है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ चार ऐसी स्ट्रेटजीज, चार ऐसे स्टेप्स जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप 50 से 60 हज़ार रुपये हर महीने आसानी से कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, स्टॉक सिलेक्शन। सबसे पहले हमें मार्केट शुरू होने से पहले अपने स्टॉक की लिस्ट रेडी रखनी होगी कि आज अगर हमें काम करना पड़े दोनों साइड में, बुलिश साइड में और बेयरिश साइड में, तो कौन से स्टॉक्स के ऊपर करेंगे। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स को ही के ऊपर ही ध्यान देंगे। तो गूगल में आप सर्च कीजिए टॉप स्टॉक रिसर्च, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे स्क्रीनर्स आप ढूंढ सकते हो। इसमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाएगा, और सेम वे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग, ये दो पैटर्न हमें मिल जाएंगे। इसमें हमें सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ही शेयर पे ध्यान देना है, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास में सामने रेडी है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बियरिश एनगल्फिंग, जिन जिन स्टॉक्स में बियरिश एनगल्फिंग बना है उसकी लिस्ट, और सेम भी हमें बुलिश एनगल्फिंग वाले भी स्टॉक्स की लिस्ट तैयार रखनी है। तो बुलिश एनगल्फिंग में इसको हम लोग मोर करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो हमारे पास में दोनों लिस्ट रेडी है, बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग के स्टॉक की लिस्ट। सो लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग डे। इस स्टेप के दौरान हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से दिन ट्रेडिंग करनी है और कौन से दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस हमारी स्ट्रेटजी का। इसमें हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किस दिन पे ट्रेडिंग की जा सकती है। तो आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना है, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसमें, और उसमें आपने टाइम फ्रेम रखना है 15 मिनट्स, 15 मिनट का। आप इसके लिए अगर आपके ब्रोकर प्रोवाइड करता है सुविधा तो ठीक है, वरना आप investing.com जैसी वेबसाइट को भी यूज कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, investing.com में जाना है, बैंक निफ्टी आपको ढूंढना है और उसमें टेक्निकल चार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। टेक्निकल चार्ट में इंटरेक्टिव चार्ट, सो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, इसको बड़ा कर सकते हो आप ऐसे क्लिक करने से। इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है 15 मिनट्स, 15 मिनट का। तो आपके सामने 15 मिनट का चार्ट ओपन है, और ये भी वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास में आपका ब्रोकर ये सुविधा नहीं देता है। तो अभी है कि किस दिन ट्रेड करना है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हमें क्या देखना है कि जब भी मार्केट ओपन होती है, जो 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट होती है, उसमें क्या देखना है आपको कि इधर पुराने दिन की 3 कैंडल या फिर आज के इस कैंडल के बाद की 3 कैंडल इसके बीच में आती है कि नहीं आती है। मतलब अगर मैं उसे सरल भाषा में बताऊं, मान लीजिए कि ये एक कैंडल है, या तो ऐसा दिन बने कि इससे पहले की 3 कैंडल इससे छोटी हो, मतलब इसके नीचे बीच में आ जाए, इसका हाई जो भी आज की 9:15 पे जो कैंडल कंप्लीट हुई है, 9:15 पे जो कैंडल बन के 9:30 बजे जो कैंडल कंप्लीट हुई है, या तो इसके अंदर इसके पहले वाली 3 कैंडल आ जानी चाहिए अंदर ही, हाई
हाई और लो के बीच में ही। इस केस में क्या हुआ कि आज जो सुबह में 9:15 पे एक कैंडल बनी है, 9:15 से 9:30 पे एक कैंडल कंप्लीट हुई है, उसके अंदर ही उसके पहले दिन की लास्ट 3 कैंडल जो होंगी अगर उसके अंदर आ जाए तो आपकी फॉर्मेशन कंप्लीट है। या तो दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि आज जो कैंडल बनी है ये 9:15 पर, उसके बाद में तीनों कैंडल जो भी इसके बाद वाली कैंडल है वो तीनों इस कैंडल के बीच में आ जाए, मेन कैंडल के बीच में आ जाए, तो आपकी फॉर्मेशन कंप्लीट है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि 9:15 से 9:30 के बीच में जो भी कैंडल बनती है 15 मिनट की कैंडल, उसका हाई और लो जो है उसे पहले की 3 कैंडल या फिर बाद की 3 कैंडल उसके अंदर ही आ जाए तो उस दिन आपको ट्रेड करना है, वरना आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही थोड़ा मॉनिटर करना है, बहुत ही कम टाइम के लिए मॉनिटर करना है, और जब भी ये फॉर्मेशन बन जाए उस दिन आपको ट्रेड करना है। सो देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में, हम लोग सिर्फ लास्ट एक महीने का डेटा देखेंगे तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई ट्राई करेंगे कि कितने दिन पर ट्रेड किया जा सकता था और कितने दिन में हम लोग मुनाफा कमा सकते थे। तो पहले दिन की 9:15 पे कैंडल ये बनी थी तो ये कोई भी फॉर्मेशन नहीं बनती है, मतलब पहले वाला जो 3 कैंडल थे वो काफ़ी इससे ऊपर चले गई थी ये वाली कैंडल, और इसके बाद वाली जो 3 कैंडल है वो उसके ऊपर चले गई थी। तो हमारी जो कंडीशन है जिस दिन हमें ट्रेड करना है वो आज की नहीं थी, 13 तारीख की नहीं थी, उसे पहले वाला दिन को देखने की कोशिश करते हैं। उसके पहले है ये वाली कैंडल बनी। अगर इस कैंडल को हम लोग ध्यान से देखें तो आप पाओगे कि इससे पहले वाली 3 कैंडल्स 1, 2 एंड 3 ये इस कैंडल के अंदर ही है। इसका हाई और लो जो है ये कैंडल का, आज की 9:15 से 9:30 की कैंडल है, उससे पहले वाली 3 कैंडल उसके बीच में ही आ गई है। तो ये हमारी जो कंडीशन जो हमने डिसाइड की थी वो कंडीशन मीट हो रही है इसमें। तो पहला तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस दिन हमें ट्रेड करना है। अभी दूसरा नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, स्टेप 3, आइडेंटिफाई द स्टॉक्स टू ट्रेड। सो हमने देखा कि 12 तारीख को ये कंडीशन बनी है तो हमें क्या करना है, 11 तारीख को किन किन स्टॉक्स में बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग बना है वो देख लेना है। तो हमारे पास में लिस्ट रेडी है, 11 तारीख को देख लीजिए किन किन बैंकिंग स्टॉक्स में बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग बनी है। तो अगर आप इस लिस्ट को देखोगे तो पाओगे कर्नाटका बैंक में 7 तारीख को, 11 को तो नहीं बना है लेकिन उससे पहले वाली देख लेंगे फिर हमको। एक तो कर्नाटका बैंक है जिसमें बियरिश एनगल्फिंग फॉर्म हुई है, और कोटक महिंद्रा बैंक में बुलिश एनगल्फिंग बनी है। तो कोटक महिंद्रा बैंक अगर ऊपर की साइड स्टॉक जाता है तो मार्केट ऊपर की साइड में जाता है तो हम लोग कोटक खरीदेंगे, और नीचे आएगा तो कर्नाटका बेचेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन टू ट्रेड। अभी आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने कि क्या कंडीशन मैच होगी तो हम लोग ट्रेड करेंगे, हमने ये भी देख लिया कि कौन से स्टॉक्स पर क्या होगा तो कब ट्रेड करेंगे। अभी मेन है स्ट्रेटजी का पार्ट कि ट्रेड करेंगे कब, क्या करना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको ये जो मेन कैंडल है 9:15 के 9:20 की, 9:15 से 9:30 की, इसका हाई और लो आइडेंटिफाई कर लेना है। तो एक लाइन ऊपर डाल दी मैंने और एक लाइन नीचे रख दी। तो ये ट्रेडिंग रेंज जिस भी साइड में बैंक निफ्टी तोड़ता है उसी साइड में हमें जो हमारे स्टॉक्स थे कर्नाटका बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, अगर गिरता है तो हम लोग को कर्नाटका बैंक बेचना है, अगर ऊपर जाता है तो हमें कोटक महिंद्रा बैंक खरीदना है। तो इस केस में जैसे ये लोअर को या हाई को तोड़ेगा बैंक निफ्टी तो उस साइड ही हमें ट्रेड लेना है, नेक्स्ट है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल में ही उसने ये लो को तोड़ा, तो जैसे ही लो को तोड़ता है यहाँ पर आपको एग्जैक्टली बीच में आपको एक सेल ले लेना है। तो सेल के लिए हमारे पास में स्टॉक्स रेडी था, हमने बियरिश एनगल्फिंग देखी थी कर्नाटका बैंक में बनी हुई थी, तो हम लोग कर्नाटका बैंक का चार्ट खोलेंगे और उसके ऊपर एक ट्रेड लेंगे। सो 12 तारीख को जैसे ही पहली कैंडल कंप्लीट हुई है दूसरी कैंडल के एग्जैक्ट बीच में हमने कर्नाटका बैंक को बेचना है। तो पहली कैंडल यहां पर कंप्लीट हुई है, दूसरी कैंडल के एग्जैक्ट बीच में यहां के करीबन हम लोग इसे बेच देंगे। तो 157.5 पर हमने बेचा कर्नाटका बैंक, तो हम लोग लिख लेते हैं कहीं पर, और खरीदना कहां पर है मैं बता देता हूं। तो जैसे इस बैंक निफ्टी नीचे गया और यहाँ पर आपने देखा इसमें हैमर बन गई है, तो हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे इस पोजीशन को पूरे दिन के लिए, क्योंकि हैमर एक बुलिश कैंडल है। तो हम लोग हमारी पोजीशन को यहाँ पर 10 बजे की जो भी कैंडल कंप्लीट होती है वहीं पर अपनी पोजीशन को कट कर लेंगे। तो KTK बैंक में अगर हम लोग देखें तो 10
बजे की ये वाली कैंडल जैसे ही कंप्लीट हुई है, ये हुई है कंप्लीट 154.45 पर, तो वहाँ पर अपनी पोजीशन को कट कर लेंगे। तो अगर उसे हम लोग नंबर्स में देखें तो ये शीट में हम लोग अपडेट करते हैं, तो 154 पर बाई आया, 157.5 पर हमने सेल किया था, 7375 का लॉट है और दो लॉट के ऊपर ही हम लोग हमेशा काम करेंगे। सो टोटल प्रॉफिट इस ट्रेड के दौरान हमें हुआ है 45,000 अराउंड। सो आगे देखने की कोशिश करते हैं कि किस दिन हमें ट्रेड किया जा सकता था। तो नेक्स्ट डे हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारी पोजीशन नहीं बनती थी, ये ओपन हुआ, इसे पहले वाला और बाद वाला दोनों बाहर है ट्रेडिंग रेंज से, यहाँ पर भी कोई पोजीशन नहीं बनती थी। इसके दो कैंडल तो बाद में अंदर आ गई थी, लेकिन दो कैंडल उससे पहले वाली ऊपर चले गई थी और इसके बाद वाली भी ऊपर चले गई थी, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनेगा। हाँ, 7 तारीख को अगर हम लोग ये कैंडल देखें ओपन वाली, तो पहले वाली कैंडल तो इस रेंज के बाहर थी तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन बाद वाली 3 कैंडल इस रेंज के अंदर ही है तो हम लोग को आज के दिन में ट्रेड करना पड़ेगा इस दिन। सो एक हाई पॉइंट ढूंढ लीजिए, एक लो पॉइंट ढूंढ लीजिए, तो हमें अपनी रेंज पता चलेगी। ये रेंज को जहाँ पर भी ये बैंक निफ्टी तोड़ता है वहीं पर हमें ट्रेड करना है। अभी दूसरा स्टेप तो हमने देखा, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, रेंज में ही था, यहाँ पे करीबन टच किया था लो को लेकिन तोड़ नहीं पाया, तो यहाँ पर हमें सेल कॉल नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर आगे जा करके लो को अपने जो रेंज थी उसने उसको तोड़ दिया है, तो ये करीबन 1430 वाली कैंडल को बीच में ही हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये देखना है हमें 6 तारीख को कोई बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी थी क्या, 3 तारीख को इंडसइंड बैंक में बनी थी, तो हम लोग इंडसइंड बैंक के ऊपर ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है 1430 के बीच वाली कैंडल के पास में, यहाँ पर 1430 के एग्जैक्ट बीच में। तो 1430 के एग्जैक्ट बीच में इसका कितना आएगा हमारे पास में, करीबन आएगा इसका 1419 के आसपास में हम लोग इसको सेल करेंगे, 1419। अब बाई कहाँ पे करना है वो देख लेते हैं। तो ये तो कंटिन्यूअस बैंक नीचे ही जा रहा था, लास्ट पॉइंट पर आप इसको 1415 के आसपास, 1515 के पास अपने पोजीशन को कट कर लेंगे, 1415 1415 पे हमारी पोजीशन को कट कर लेते हैं, 1415 1415 पर दो लोट ट्रेड करते हैं। सो हमें आज के दिन 4800 का फायदा हुआ। नेक्स्ट डे देख लेते हैं कोई है तो, यहाँ पर भी कोई दिन नहीं होता है ट्रेड ये वाली कैंडल पे, यस यहाँ पर होगा, यहाँ पे पहले वाली 3 कैंडल भी और बाद वाली 3 कैंडल भी इसके बीच में आई हुई है, तो हमने अभी इसका हाई और लो पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेना है। हाई पॉइंट तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो जैसे ही इसको ऊपर की साइड में तोड़ेगा ये रेंज को बैंक निफ्टी, वैसे ही हमने अपना पोजिशन ट्रेड करना है। तो आपने देखा ये रेंज में ही चल रहा था और इसके बाद में यहाँ पर 11 बजे इसको ऊपर की साइड में तोड़ा है, तो हमें एग्जैक्ट 11 बजे जैसे ये ऊपर की साइड में तोड़ता है वैसे ही हमने अपना ट्रेड लेना है बुलिश साइड में। तो ये 5 तारीख को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो 5 तारीख से पहले जिस दिन बुलिश एनगल्फिंग बना है उस दिन पर हमें ट्रेड करना होगा। 31/3 को अलाहाबाद बैंक में बना है, तो अलाहाबाद बैंक पर हम लोग एक ट्रेड ले लेते हैं। ये 5 तारीख का आ गया डेटा हमारे पास में, इसके हमें 11 बजे ट्रेड करना है। तो 11 बजे की कैंडल यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट होती है ये कैंडल 74.6 मर, हमें एक बाई कॉल लेना है यहाँ पर, और हमें सेल कहाँ पर करना है वो देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में जा करके देखते हैं। तो ये कंटिन्यूस ऊपर ही जाता जा रहा था, तो हम लोग इसको कंटिन्यूस हमारे बाई पोजीशन पे रखते हैं। अगर कभी भी आपको ऐसा कोई कैंडल स्टिक नहीं बनता है जो आपको लगता है कि यहाँ से रिवर्स हो गया, तो अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखनी है 3 बजे तक। तो 3 बजे हम लोग देख लेते हैं LBK का प्राइस क्या था। तो वैसे तो उसने वहाँ पे हाई बनाया था, लेकिन हम लोग बैंक निफ्टी के हिसाब से जाते हैं, तो यहाँ पर 75.25 में बेच देते हैं, तो यहाँ पर भी हमने 13,000 का मुनाफा कमाया। अभी अगले दिन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चेक कर लेते हैं, इसे एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर हुआ होगा, तो ये ऊपर ओपनर हाई, जी हाँ, ये इसके बीच में बिल्कुल बीच में आ गया, तो यहाँ पर हम लोग अपना कॉल लेंगे, ट्रेड लेंगे। तो 30 तारीख को ऊपर की साइड में तोड़ा है 9:30 बजे की वाली कैंडल स्टिक ने, तो 30 तारीख को बुलिश एनगल्फिंग उससे पहले देख लेते हैं। जिस दिन आपको लगता है कि आप जो स्टॉक जिस डायरेक्शन में ढूंढ रहे हो ऐसा कोई फॉर्मेशन बना ही नहीं है उसके आजू बाजू में काफ़ी दिन तक, तो वैसे केसेस में आप बैंक निफ्टी के ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं जो बैंक निफ्टी के पैटर्न को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक या फिर येस बैंक। जी हाँ, ये हमारे सामने 30 तारीख का चार्ट तैयार है,
तो कितने बजे ट्रेड करना है हमने, जैसे ये 9:30 वाली कैंडल शुरू होती है उसके बीच में ही हमें इसको ट्रेड करना है, तो 9:30 वाली कैंडल ये पहली वाली कैंडल होगी, 9:30 वाली कैंडल जैसे ही शुरू होती है यहाँ पर इसके बीच में हमने ट्रेड करना है इसको, तो 502 के आसपास में हम लोग इसे खरीदेंगे। और बेचना कहाँ पर है, बेचना ये कंटिन्यूस ऐसे ही जाती जा रही है जाती जा रही है, और यहाँ पे 3 बजे वाली कैंडल एकदम लास्ट में इसको ट्रेड करेंगे, तो 3 बजे इसको ट्रेड कर लेंगे यहाँ पर। तो आपने खरीदा था इसको 502 में और बेचेंगे इसको हम लोग यहाँ पर 501 में, तो इसमें हमने थोड़ा सा लॉस किया है, तो आपने इसमें 2400 रुपये का नुकसान किया 30 मार्च को। अभी नेक्स्ट हम लोग ढूंढ के रखते हैं, नेक्स्ट क्या करना है ट्रेड। तो 29 तारीख को ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं बना है, 28 को भी कोई फॉर्मेशन नहीं बना है, 27 तारीख को भी नहीं बन पाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे तोड़ दिया ऊपर की साइड में, और यहाँ पर भी ये वाला इसने ऊपर की साइड में निकला हुआ था, तो यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं बनता है। इधर देखें यहाँ पर भी नहीं है, 24 तारीख को भी नहीं है, 23 तारीख को भी नहीं है, 22 को भी नहीं बनता है, लेकिन हाँ यहाँ पर बन जाएगा आपका 20 तारीख को, 21 तारीख को, माफ कीजिएगा, 21 तारीख को आप अगर इसका हाई लो पॉइंट जोड़े तो आगे भी और पीछे भी दोनों साइड में इसके बीच में ही आ रहा है, पहली 3 कैंडल और बाद वाली 3 कैंडल, तो यहाँ पर हम लोग एक कॉल लेंगे, तो यहाँ पर इसे नीचे की साइड में तोड़ता है 21 तारीख को 10:15 पर, बैंक निफ्टी नीचे की साइड में तोड़ता है, तो हमें सेल कॉल लेना है बियरिश 20 तारीख को। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक भी बना है, तो हम लोग एक्सिस बैंक पर ही ट्रेड कर लेते हैं। जी हाँ, ये एक्सिस बैंक का चार्ट हमारे सामने है, हमने कितने बजे ट्रेड करना था इसको, 10:15 पर ये रेंज को बैंक निफ्टी नीचे की साइड में तोड़ता है, तो 10:15 के एग्जैक्ट बीच में हमने इसको सेल करना है एक्सिस बैंक को, तो एक्सिस बैंक 10:15 मतलब यहाँ पर हमने इसको सेल करना है 493.7, और खरीदेंगे कहाँ पर वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी कंटिन्यूस ही नीचे जा रहा था उस दिन, और यहाँ पर एक कैंडल बनती है, तो 1500 आवर्स पे हम इसको अपनी पोजीशन को कट कर देंगे, तो यहाँ पे नीचे जा रही थी कंटिन्यूस, 490.5 पर अपनी पोजीशन को कट कर लेते, तो इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हो करीबन 7680 के आसपास में होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके कैसे हमने 5 दिन ही सिर्फ ट्रेड किया, आपको ज़्यादा दिन ट्रेड करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ आपको पहले आधे घंटे 1 घंटे तक आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में, बस 1 घंटा पहला ऑब्जर्व किया आपने, अगर कुछ फॉर्मेशन बनती है, अगर हमारी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट होती है तो ही ट्रेड करना है, वरना ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं। तो हमने देखा कि पिछले महीने में हमने सिर्फ 5 दिन महीने के ट्रेड किया था, 5 में से 4 दिन हमें सक्सेस मिली और 1 दिन हमें सक्सेस नहीं मिल पाई, जो कि अगर उसे लॉस देखें उसका लॉस भी ज़्यादा नहीं था। तो इस महीने के दौरान हमने सिर्फ 5 दिन ट्रेड करके करीबन 68,000 रुपीज़ कमाए। सो इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पेपर वर्क करें, आप पहले देखें इसे कि क्या ये सीरियसली आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, ट्रेडिंग स्टाइल को मीट होती है कि नहीं होती है, उसके बाद में इसके ऊपर ट्रेड करें। मैं चाहता हूँ आप इस स्ट्रेटजी के बारे में मुझे प्लीज़ इस वीडियो के में कमेंट करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो और इस चैनल को अपने दोस्तों को बताएं, उन्हें रेकमेंड करें अगर आप पसंद आया हो, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।